चला अपन अभी तक हमने क्या क्या देखा उसको 5 मिनट में रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत हुई थी हमारी यहाँ से, कहाँ से कि किसी भी सेंटेंस को किसी कच कच करो ना, शुरुआत हुई थी कहाँ से, स्टेटमेंट से। किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट कब कहा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो सेंटेंसेस में ये वाले और ये वाले होते हैं ये कतई स्टेटमेंट नहीं होते, फिर उसके बाद में जो ओपन वाले होते हैं वो भी नहीं होते, फिर जो इम्पेरेटिव होते हैं वो भी स्टेटमेंट नहीं होते, ये हमने देखा था, ठीक है। फिर जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, तो या तो वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, मतलब इस तरीके से दोनों भी अगर संभावना लेके चल रहे हैं तो वो उसको स्टेटमेंट कहा जाएगा क्या नहीं कहा जाएगा। फिर हमने स्टेटमेंट डिफाइन करने के बाद हमने देखा कि उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, और ट्रूथ वैल्यू हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से ही हम लोग लिखते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट था हमारा, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखने के बाद में हमने स्टेटमेंट को आपस में जोड़ा, दो स्टेटमेंट्स को आपने आपस में जोड़ा, जोड़ने के लिए आपने यूज किया कनेक्टिव्स का, जिसको हमने कहा लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स थे आपके, कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स थे आपके, एंड था जिसका ये सिंबल था, तो दो स्टेटमेंट है आपके उसको आपने एंड से जोड़ दिया, तो कुछ इस तरीके से सिम्बोलिकली दिखता था। फिर आपके पास दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव था और, जिसको आप इस तरीके से डिनोट करते थे, और दो स्टेटमेंट्स को उससे आप ज्वाइन करके इस तरीके से सिम्बोलिकली लिखते थे। तो जब आप दो स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू को एंड से जोड़ते थे तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहा जाता है कंजंक्शन, और जब आप दो स्टेटमेंट को और से जोड़ते थे तो उसको हम कहते थे डिसजंक्शन, ठीक है। फिर आपका लॉजिकल कनेक्ट होता है इफ डाटा 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 देन, और इसके लिए वन हेडेड एरो है, तो दो स्टेटमेंट से पी इंप्लाइज क्यू, पढ़ते कैसा है पी इंप्लाइज क्यू, तो इसको क्या कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन, और सही है। और चौथा जो आता है वो इफ एंड ओनली इफ आता है, दो कंपाउंड स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ से जोड़ा जाएगा, तो सिम्बॉलिकली डबल हेडेड एरो है, दो स्टेटमेंट्स पी इफ एंड ओनली क्यू पढ़ेंगे ऐसा, और इसको कहेंगे बाय कंडीशनल। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है उसको नाम दिया गया है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है वो कंजंक्शन डिसजंक्शन इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन कंडीशनल बाय कंडीशनल ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव इस्तेमाल किया उसके हिसाब से उसका नामकरण किया गया। अब जैसे एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता है, वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट का भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से उसका ट्रूथ वैल्यू डिफाइन किया गया है। तो पी एंड क्यू वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, पी क्यू पी 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 एफ एफ पी एफ एफ, ये चार संभावनाएं होती है दो स्टेटमेंट की, ये चार संभावनाएं होती है दो स्टेटमेंट की, या तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड स्टेटमेंट आता है कंजंक्शन पी एंड क्यू, तो इसके लिए ट्रूथ वैल्यू कैसे डिफाइन की है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो पी एंड क्यू का वैल्यू ट्रू, अगर एक भी फॉल्स है तो पी और क्यू, अगर एक भी ट्रू है तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू, बाकी केस में फॉल्स, तो ट्रू 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 फॉल्स। P implies Q को कैसे डिफाइन किया गया, P implies Q में स्टेटमेंट का फॉल्स होता है, when first Q and second is false, the statement has truth value false, in other cases it has truth value true, and if and only if में क्या होता है, P if and only if Q, अगर दोनों true तो true, दोनों false तो भी true, बाकी केस में false, तो ये आ गया आपके कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू का डेफिनेशन, कि किस किस केसेस में आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या क्या लिखना है। फिर इसके बाद में एक ऑपरेटर भी आता है निगेशन नाम का, जो दिए गए स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाता है, जैसे पी का निगेशन लिखना है तो पी का जो भी ट्रूथ वैल्यू होगा उसके ऑपोजिट उसका आपको निगेशन लिखना होता है, जैसे पी यहाँ पर ट्रू है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू। तो हमने देखा कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखा जाता है, ठीक है।
फिर इसके बाद में हमने क्या देखा, स्टेटमेंट पैटर्न, देखा स्टेटमेंट पैटर्न, इसको कहा गया स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न किसको कहा गया, देखो कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहते हैं, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है और एक लॉजिकल कनेक्टिव है, कंपाउंड स्टेटमेंट, आपके पास कई सारे स्टेटमेंट है और कई सारे लॉजिकल कनेक्टिव है आपस में जुड़े हुए, तो दैट इज द स्टेटमेंट पैटर्न। बड़ा हो गया ना अभी, तो स्टेटमेंट पैटर्न कहा गया कि भैया स्टेटमेंट का पैटर्न है कि दो तीन स्टेटमेंट है, मैक्सिमम थ्री स्टेटमेंट्स होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव कितने भी ले सकते हैं, तो थ्री स्टेटमेंट है उनको जोड़ा गया है कई सारे लॉजिकल कनेक्टिव से, तो वो बन गया स्टेटमेंट पैटर्न। अब सवाल ये पैदा हो गया कि भैया इस स्टेटमेंट पैटर्न का अगर मुझे ट्रुथ वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँ, इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। तो कई सारे रोज और कॉलम्स बनेंगे, और कितने रोज और कितने कॉलम हमें ट्रूथ टेबल निकाल के वो ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकता है ये डिपेंड करेगा उसके सिंपल स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू के ऊपर। तो उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया, उनका ट्रूथ वैल्यू निकला और फिर सबका एक साथ जाके स्टेटमेंट पैटर्न का आपको ट्रूथ वैल्यू मिला, जितनी भी संभावनाएं हो सकती उतनी, ठीक है। तो जरूरी क्या था, स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए जरूरी ये था कि आप लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, और ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे स्टेप्स में करना है ये हमने देखा ना। तो आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे और कॉलम्स कितने आएंगे ये कैलकुलेट करें, लेकिन वो किस लिए करना होता है, ताकि आप गलती से अगर कुछ कम ज्यादा कर देते हो कॉलम्स में तो आपको समझ में आता है। तो 2n क्या क्या नंबर ऑफ रोज के बारे में कौन बताता है आपको, 2n बताता है, और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं कि उस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो ज्यादातर कितने स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट्स, तो अगर 3 स्टेटमेंट्स आते हैं तो 8 रोज आते हैं, और 2 स्टेटमेंट्स आते हैं तो 4 रोज आते हैं, तो बात बिल्कुल क्लियर है। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स आने हैं वो कहाँ से आएंगे बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे एन प्लस एन से। अब एन तो हमें पता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, लेकिन एन के एन क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स है, तो उस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने कनेक्टिव्स है, निगेशन को भी पकड़ना है कनेक्टिव्स के अंदर, कितने कनेक्टिव्स है उसको गिनना है, कितने स्टेटमेंट है उनको गिनना है, उनका जो भी एडिशन आएगा वो होगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, उतने कॉलम्स आपके ट्रूथ टेबल में आएंगे स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए। आई बात समझ में, तो हमने एक एक्सरसाइज पूरा सॉल्व किया कि जिसके अंदर हमने ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका ट्रूथ टेबल कैसे निकालना होता है ये हमने स्टडी किया। फिर हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न का आप ट्रूथ टेबल निकालते हो तो जो लास्ट का कॉलम आता है आपका, उस कॉलम की एंट्रीज अगर सारी की सारी ट्रू होती है तो हम उस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहते हैं। अगर आपके लास्ट कॉलम की एंट्री सारी की सारी ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट पैटर्न कहलाएगा टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा ट्रू रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ट्रूथ वैल्यू ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। वो जिन जिन सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के बनाया गया है उनके ट्रूथ वैल्यू के इरिस्पेक्टिव आपका जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो ट्रूथ ही वैल्यू देगा, ट्रू ही वैल्यू देगा। आ रही बात समझ में, तो स्टेटमेंट पैटर्न का जो लास्ट कॉलम होता है, एक काइजन नहीं वो नुस्ते बस लेता है, सर के बस ले सर बस हाँ काही जण नुसते माझ्याकडे पाहतात, आपले आपले विचार होते, अरे हां नीट बस कुपड काढून बस नको, हां पाठीसकडं ताट ठेवायचं, स्पायनल कॉर्ड मजबूत परपेंडिकुलर टू द आर सरफेस, कहते का तभी ऊर्जा प्रवाहित होगी ऊपर की दिशा में, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, नेहमी लक्ष ठेवा, जीवनात काही करता आलं तर करा नाही तर नका करू, पण नेहमी ताट बसायचं सवय ठेवा, कारण जो माणूस नेहमी ताट बसतो तो आळशी कधीच राहत नाही। तुम्ही आज पाहिलं की एका नंबर ताट बसून असं झोपलाय, येते का झोपता नाही येत ना झोपता, झोपण्यासाठी हे असं पोस्टर पोस्टर असं पाहिजे ढिल्ल डालले एकदम तेव्हा तुम्हाला झोपू शकतो, कळते का, नेहमी सवय ठेवा, नेहमी त्याच्यात लक्ष ठेवा, कधी जाळशी राहणार नाही। हे जर तुम्ही थोडं स्वतःला अवेअर केलं ना थोडा वेळ जरी असं झालं तर आपल्याला असं बसत, माझ्याकडून पण होत नाही तसं, पण ते करायला पाहिजे असं माझं म्हणणं, बरंच मी पण असा आपलं बसायचं कसं असतं, जिथं मी थोडंफार
दिसला चान्स की लगेच बसले पाय पसरवले जेवढा आरामात बसते तेवढं बसतो की नाही आपण तसं नाही बसत नेहमी असं स्ट्रेट चांगलं असतं करून बघ माझाही मित्र होता असा असं नेहमी स्ट्रेटच बसायचा मग त्याच्यावरून आठवतो भरपूर जुना मित्र होतो पण तरी पण आठवतो त्याच्या त्या सवयीमुळे फक्त कुठेही बसलेला असेल तर ते असं कुणाच्या घरी जरी गेलं किंवा कुठं पलंगावर जरी बसलो असं आम्ही हॉस्टेलवर समजा रूममध्ये तर ते असं कधी नव्हतं बसलं का आलं पाय पसरून बसले टेकलेले असं नाही आले का असं स्ट्रेट बसलेलं असेल म्हणजे याच्यामुळं काय व्हायचं ते नेहमी टवटवीत आणि उत्साहित राहतो ना अत्यंत इंटेलेक्च्युअल होता माणूस म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन एकदा वर्ग शिकलं ना भोवलं पुढं जाऊन जास्त करायची गरजच नव्हती पडत आम्ही येड्यावर वाचत बसलेलं असायचं आणि तेच झालेलं असायचं का कारण क्लासमध्ये बसलेलं आहे तर कसं बसलेलं आहे एकदम अटेन्शन तिथंच 90% कार्यक्रम ओके मग घरी जाऊन काय फक्त थोडंसं काहीतरी आपलं बघायचं झालं बाकी था तो अंग्रेजी मीडियम का तो लिखना तो आता था उसको गौरव सिंह ना होते थे चांगली सवय होती थी तो मैं मी का लाइफ मध्य नहीं करू शकलो तुम्हारा सांगते तुम्ही करा करा आता कमी वय ना तुम इथून पुढे तुम्ही सवय लावू शकता सध्या तुम्हाला आवश्यक आहे अटेंटिव्ह राहण्याची असं त्याच्यावर नेहमी स्ट्रेट बसायचं समोरच्याला बी उत्साह येतो ना तुम्ही असे गळपटलेले असे कसे बी दिसले समोर ते जाऊ दे असे येडे दिसते काही सांगा जाऊ दे चला पुढे उत्साह राहत नाही ना बरोबर आहे की नाही हा चला हा लास्ट कॉलम में की सारी एंट्रीज अगर फॉल्स आती है तो क्या कहेंगे उसको कॉन्ट्राडिक्शन और कुछ ट्रू कुछ फॉल्स कॉन्टिंजेंसी पाहिलं ना आपण मग त्याच एक्सरसाइज मध्ये असे वेगवेगळे प्रश्न बनवलेले काय की स्टेटमेंट पॅटर्न दिया हुआ है और प्रूव कीजिए कि ये टॉटोलॉजी है या फिर मतलब इस तरीके का क्वेश्चन की कॉन्टिंजेंसी क्या है क्या नहीं बताइए हमको किस में कहा है किसी दर ट्रूथ टेबल निकाल के बताइए ठीक है तो एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है वो आपका फिर ये स्टेटमेंट पैटर्न के बाद हमने क्या किया हमने क्वांटिफायर्स को इंट्रोड्यूस किया क्वांटिफायर्स हमने दो तरीके के क्वांटिफायर देखे QUANTIFIER क्वांटिफायर क्वांटिफायर दो तरीके के हमारे पास एक है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है फॉर एवरी फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी फॉर ऑल और फॉर एवरी और इसका क्या मतलब होता है देयर एग्जिस्ट सम तो बेसिकली यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या बताता है कि सभी चीजों के लिए एप्लीकेबल है इस संभावना के बारे में बात करता है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंस बताता है एटलीस्ट वाली कंडीशन को बताता है कि कम से कम एक के लिए ये लागू होता है इस वाली चीज को प्रेफर करता है और जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है वो सभी के लिए ये नियम लागू होता है कि नहीं उसकी बात करता है ठीक है तो हमने देखा कि जो ओपन सेंटेंस होता है जो ओपन सेंटेंस होता है उस ओपन सेंटेंस को हमें पता है कि हम स्टेटमेंट नहीं कहते लॉजिक में लेकिन अगर ओपन सेंटेंस को मुझे स्टेटमेंट बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके ओपन सेंटेंस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टेटमेंट के अंदर तो जैसे मैं क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाता हूँ तो ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ये बात अलग है कि आप ओपन सेंटेंस को क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो स्टेटमेंट आप ट्रू या फॉल्स दोनों बना सकते हो आपकी मर्जी है आप क्वांटिफायर का इस्तेमाल कैसे करेंगे किस क्वांटिफायर को चूज करेंगे आप और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे कौन सा स्टेट लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू आता है कि फॉल्स आता है लेकिन जैसे ही आप क्वांटिफायर का इस्तेमाल करते हो वो सेंटेंस तुरंत स्टेटमेंट में बदल जाता है हो सकता है उसका ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन वो स्टेटमेंट बन जाता है सारी बात समझ में तो ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है और क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके बनाया गया जो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं ठीक है तो हमने वो एक क्वेश्चन भी देखा कि जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग क्वांटिफायर का यूज करके हम लोग देख रहे थे कि वो स्टेटमेंट ट्रू होता है कि फॉल्स होता है क्वांटिफायर का मतलब समझा था हमने इस क्वेश्चन से एक सेट दिया हुआ था याद है आप लोगों को फिर उसके बाद हमने देखा ड्यूअल किसी भी स्टेटमेंट का कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल कैसे लिखा जाता है तो ड्यूअल लिखा जाता है
एंड को और से रिप्लेस करके और को एंड से रिप्लेस करके ड्यूल लिखा जाता है। निगेशन हो तो उसको वैसे ही रखना। हारी बात समझ में। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट हमने देखा कि निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। देखिए, एक जब स्टेटमेंट था आपके पास, एक वो चीज मैं बताना भूल गया शुरुआत में, जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट का निगेशन हमने देखा था। किसी भी स्टेटमेंट का हम लोग निगेशन कैसे करते थे, उसके शुरुआत में ये वाला वर्ड लगा के, ये वाला फ्रेज लगा के, कौन सा, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट, है ना। और क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब, और था कि ऑक्सिलरी वर्ब के आगे नॉट लगा के या फिर नॉट कटा के दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन लिखते थे। तो एक स्टेटमेंट का निगेशन लिखना हमें आता था, एक स्टेटमेंट, टू इज इवन नंबर, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसका मुझे निगेशन लिखना है। क्या लिखूंगा मैं, टू इज नॉट इवन नंबर, या फिर क्या लिख सकते हो, इट इज नॉट ट्रू दैट टू इज इवन नंबर, या फिर इट इज फॉल्स दैट टू इज इवन नंबर। ये अलग अलग तरीके है एक स्टेटमेंट का निगेशन लिखने के। लेकिन अगर मेरे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है और मुझे उसका निगेशन लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमने नियम देखा कि आपका डी मॉर्गन्स लॉ किसको कहते हैं हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ, हे मॉर्गन है एंड हे लॉ है एंड हे डी डिस्टर्ब है, तो हे डी मॉर्गन्स लॉ कोणाला म्हटलेले, कंजंक्शन आणि डिसजंक्शनचं निगेशन लिहिण्याचे नियम। कंजंक्शन और डिसजंक्शन का निगेशन लिखने का जो लॉ है उसको हमने डी मॉर्गन्स लॉ कहा है। तो मेरे पास पी एंड क्यू है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, आपको इसका निगेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसका निगेशन, पहले तो डिनोट ऐसे करेंगे, निगेशन ऑफ दिस, और क्या होता है वो लॉजिकल इक्वलेंट टू निगेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट एंड अंदर एंड के बाहर और आएगा, ठीक है। तो एंड का निगेशन क्या होता है, और होता है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट का निगेशन लेना होता है। उसी तरीके से निगेशन ऑफ पी और क्यू कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्या किया, अंदर और है तो बाहर, एंड कर लिया और इंडिविजुअल स्टेटमेंट का निगेशन ले लिया। तो एंड वाले स्टेटमेंट का निगेशन एंड और वाले स्टेटमेंट का निगेशन जिस तरीके से लिखते हैं उसको उन्होंने नाम दिया डी मॉर्गन्स लॉ। ये करते क्या, एक सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा, लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे कि कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखा। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट का हम लोग निगेशन लिख रहे हैं इसके लिए ये रूल्स है, हमने देखा कि कंजंक्शन और डिसजंक्शन का निगेशन कैसे लिखा जाता है। आवाज आ रही है बेटा, आ रही है ना। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू, इसका निगेशन लिखना है। पण ह्या भाऊची वेगळी धाव आहे, याचं सरळ सरळ याला हलकर घेता येतं का, याचं पहिल्यांदा आपण काय बघितलं, इक्विव्हॅलेंट स्टेटमेंट पाहिलं, इमानदारीनं वहीत न पाहता सांगायचं, किती जण मला सांगू शकतात पी इम्प्लाइज क्यू चं इक्विव्हॅलेंट स्टेटमेंट काय, निगेशन ऑफ पी P implies Q का equivalent statement क्या है, ये मैंने पूछा है, जितनों का आता है हाथ ऊपर कीजिए। हाँ चल तू सांग, तू सांग ना, अरे P implies Q चा equivalent statement सांग, हाथ वर केलं तू, नहीं चल सांग यार, negation of P or Q, सही है, पी इम्प्लाइज क्यू, क्या अंदर है पी इम्प्लाइज क्यू, इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, क्यू लपोलियो झाला का आजकल, पी इम्प्लाइज क्यू का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है, निगेशन पी और क्यू, इसका और इसका नाता क्या है, ये इक्विवेलेंट है आपस में, ये कंपाउंड स्टेटमेंट और ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू सेम लेंगे, जो भी आप इन दोनों का ट्रूथ वैल्यू लेंगे, ट्रूथ टेबल निकाल के देखिए, तो ये इक्विवेलेंस है इन दो स्टेटमेंट का, ये याद रखना है, ये आगे जाकर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो अगर मुझे इसका निगेशन लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंस स्टेटमेंट है वो ले लूंगा, तो निगेशन ऑफ, इसका इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या है, निगेशन पी और क्यू, हाँ मैं विसरच गेलो, फक्त तीन चार मुलांनी हातवर केला होता, तुम्ही विसरले का तुम्ही जे ची तयारी करायले, तो जय वाले, मग मी असं ड्यूटीत असतो बरं का,
मी तुम्हाला एक सांगतो, ध्येय उंच ठेवा, ध्येय मोठे ठेवा, याच्यासाठी की तुम्हाला तुमचं पोटेन्शियल पूर्ण बाहेर काढता आलं पाहिजे. ओय शायनिंग आणण्यासाठी जेही करतो म्हणूच नका तुम्ही. मी तुम्हाला पहिले सांगतो, असं तोंडावरून दिसलं पाहिजे, अरे बाप जेईचा आसपास चाललो बाप, कळतंय का? तुमच्याला काही जण म्हणतात आमच्या रायटी डोळे म्हणून आम्ही आत्मोत्तवर केला, आम्ही नसतोच सांगत असले पाहिजे. ठीक आहे, किती होते अशी तुमच्या मनाला विचारा ना, कळतंय का? आणखीन पण सांगतोय बरं का, ओळखा स्वतःला किती आपण अभ्यास करतो काय नाही ते. हा अरे किंवा भानगडीतून बाहेर निघा, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट झालं नेमकं ना, कळतंय का? रेकॉर्डर बोलतोय, नुसतं म्हणलेन होत नाही भाऊ, म्हणलेन होतं का? किती पोरं देते ती एक्झाम, आज नुसतं ॲडव्हान्सला क्वालिफाय होते 1.5 लाख, जानेवारीची गमता जाऊ द्या, ॲडव्हान्स देणारे 1.5 लाख आहेत आणि त्यातले उचलते 15,000, लक्ष देते तुम्हाला, कॉम्पिटिशन कळती का? तुम्ही तुमच्या शाळेत, समजा तुमच्या शाळेत पोर आहेत बरोबर आहे, त्यांच्यामध्ये तुम्ही किती येत होते त्याच्यावरून स्वतःची लेवल पाहून घेतो मी, कळते का? म्हणजे उगाच असं नसतं की आपण शाळेमध्ये पहिल्या 10% मध्ये नाही येऊ शकलेलो आहे आणि आपण भारताचे कॉम्पिटिशन करतोय त्याच्यामध्ये किती पॉईंट समथिंग % मध्ये येणार आहेत हे डिपेंड करतं तुमच्या मेहनतीवरती, उगाच म्हणून चालत नाही. तहान भूक सगळी विसरून जावं लागतं आणि ओरिजिनल मेहनतच द्यावी लागते त्याला, तेव्हा कुठे जाऊन जेई साठी तुम्ही तयार होतात. कारण मी माझं वैयक्तिक मत सांगतो, मी थोडा प्रामाणिक बोलणार माणूस आहे, जे आहे ते बोलणार माणूस आहे, मी काय कुणाला डिमोटिवेट करत नाही किंवा काही नाही, पण मला एक दिसतं आपल्या इथे ना आपल्या आपल्या भागामध्ये थोडं शायनिंग मारण्याचं प्रमाण जास्त आहे, प्रचलित धोरण जे आहे ना फुगीरपणाच आहे आपल्या इथं, जे आहे त्याच्यापेक्षा जास्त दाखवण्याची कोशिश आपण लोक करतो आणि याचं प्रमाण म्हणजे सोशल मीडिया असतं, कळते का? म्हणजे आपण मी जे आहे ते दाखवण्याच्या पेक्षा मी म्हणजे तुम्हाला ते विवेकानंदांचं वाक्य माहिती आहे का? विवेकानंद अमेरिकेला गेले होते, विवेकानंदला काही शेंबडेपूर अमेरिकेचे समजा काही लोक जी मूर्ख असते समजा आहे त्याच, ते काय म्हणले का बाबा काय कपडे घातले तू काय बाबा असं तसं काय तो होत, मग ते काय म्हणले माहिती का, तुमच्या भागामध्ये मनुष्य किती उच्च श्रेणीचा आहे हे टेलर डिसाइड करतो म्हणे, टेलर करतो तुम्हाला कपडे शिवणार, आमच्या इथं चरित्र डिफाईन करतो म्हणे, तुम्ही तो अधिकार टेलरला दिलेला आहे का, तुम्ही किती वाकडे तिकडे कपडे घालू शकता त्याच्यावर तुम्ही किती भारी, काय जबरदस्त वाक्य बोलले की नाही, कळते का? म्हणजे आपल्या इथे वेशभूषेला कधी मान्यता दिलेली का? नाही भारी माणूस असण्यासाठीची नाही, तुम्ही समजून घ्या तुम्ही एखाद्या एक्झामची तयारी करताय तर त्यासाठी पूर्णपणे समर्पण पाहिजे, तुम्ही स्वतःला झोकून दिलं पाहिजे, असं कधीच नसतं की खूप इंटेलिजंट माणसाची आवश्यकता असते एखादी एक्झाम क्रॅक करायला, आवश्यकता असते मेहनतीची, कळत आहे का? आणि ज्याच्यामध्ये क्लिअर कट मला तुम्ही कमी पडताना दिसतात मी आजच तुम्हाला सांगतो तुमची तेवढी मेहनत नाही आहे, लक्षात घ्या, एखाद दुसऱ्याची असेल मी तसं नाही म्हणत, कळत आहे का? पण मॅक्सिमम तुमचा जो उल्हास पाहिला ना तर तो तसा नाही आहे पा, मार्केटमध्ये सगळे लोक सगळ्यांचा आपलं आपलं परिवार आहे व्यवसाय की नाही त्याच्यामुळे ते कशाला सांगतील तुम्हाला, तुम्हाला तुमचं तुमचं ओळखायचे तुम्हाला किती मेहनत करायची काय नाही काय नाही, सगळ्यांनी जे चे क्लास खोलून बसलेले नॅशनल लेवलची एक्झाम आहे, आपण तिथे तुमतून वाजत बसतो जेई 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 करायचं किती काय नाही, तीन तीन विषय असते कितपत करायचं आपल्याला, याचं सगळं भान ठेवा आणि मेहनत करा, कळतंय का? नुसतं म्हणून होत नसतंय काही, ही डॉक्टर गेल तुम्हाला गोष्ट घ्यावी लागत, समजतंय? हां चला, म्हणजे मी याच्यावरून तुम्हाला म्हणतोय, मी एक साधी सरळ गोष्ट विचारली तुम्हाला, नुसतं फॅशनमध्ये जाऊ नका, कारण मी आतापर्यंत 4 वर्षाच्या प्रयासमध्ये पाहते पूर्ण मॅक्झिमम फॅशनसाठी आलेले असते, कळतंय का? कामाला तुकतुकी चेहऱ्यांच्या आय आय टी एस करून शिकायचे ते त्यातच खुश असते, बस आपल्याला आय आय टी शिकवायचे बस त्यातच खुश येते, कळतंय का? आपल्याला कितपत कळते आपण किती मेहनत करतो याच्याकडे कोण लक्ष देत नाही, पहिली तर गोष्ट ही, दुसरी गोष्ट काय फॅशन, पण दुनिया जेही करायला आम्हाला बी जेही करायचं, आपल्याला आपली झोप सुधरू देत नाही, खाणं पिणं सुधरू देत नाही, मोठा माणूस मोठ्या गोष्टी करून म्हणत नसतो, छोट छोट्या गोष्टीमध्ये सुधारणा केल्यानंतर मनुष्य मोठा बनतो आपल्यापासून, आलं लक्षात? छोट छोट्या गोष्टी बदला स्वतःच्या,
थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास वाढवा, रोज टाइमपास वेळ थोडा थोडा कमी करा, महिनाभर जर तुम्ही याला लागून धरले तर महिनाभरानंतर एक वेगळी व्यक्ती म्हणून जन्म घ्या आणि त्याला पुढे कंटिन्यू करता. तुम्हाला दुसरं काहीच दिसायला नाही पाहिजे. हे बघा, तुमची मेहनत तुमचं व्यक्तिमत्व ठरवते. तुम्ही आय आय टी होताल नाही होताल त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही, पण तुम्ही जर 2 वर्ष कन्सिस्टंटली मेहनत केली तर तुम्ही एक जबरदस्त व्यक्ती म्हणून निर्माण होता. तो त्या तो दिवस ठरवेल त्या दिवसाचा, कळते का? पेपर कसा आला काय नाही त्याच्यानुसार डिसाईड होईल, तुमचं झोप कशी झाली काय नाही त्याच्यावर तुमचं रँक काय येईल कसं होईल काय नाही. पण ही कन्सिस्टन्सी ही ना कमी वयामध्ये प्रेशर झाले. हे बघा, तुम्ही क्रिकेटर्समध्ये पाहिलं, तेंडुलकर जबरदस्त प्लेअर होता पण प्रेशर झालण्यामध्ये कॅपेबल होता का? 2011 वर्ल्ड कपला तेंडुलकर सेवा एकामागे एक चालले गेले. कोणी मॅच आणली? गौतम गंभीर, महेंद्रसिंग धोनी. महेंद्रसिंग धोनीला काय मानतात लोक? कारण प्रेशर, किती प्रेशर असू दे, ते झेलण्याची ताकद होती त्या माणसामध्ये. विराट कोहली नेहमी त्याचा परफॉर्मन्स प्रेशरच्या मॅचेसमध्ये निखरतो. का? कारण प्रेशर हँडल करण्याची ताकद. तुम्ही प्लेअर म्हणून तेंडुलकरच्या तोडीचा प्लेअर आज बी झालेला नाही कुणी मार्केटमध्ये. काय त्याचे शॉर्ट्स आहेत, काय क्लास आहे, तुम्ही बघितलं असेल. आमच्या वेळेस आता आम्ही बघितलेले खेळ खेळताना लक्ष देते का? खेळ पाहणाऱ्याला आनंद यायचा, वा वा काय खेळ आहे, नुसतं असं केलं की बॉ बॉन केली काय स्प्लेट ड्राईव्ह मारत हा, नुसतं क्लास, नुसतं असं केला लगेच फोन विशेष करतो. पण प्रेशर हँडल करता येत होतं का? रात्र झोप येत नव्हतं त्याला फायनलच्या पहिले. काय करणार आहे तो दुसऱ्या दिवशी मॅचमध्ये? मग ज्याला प्रेशर, मग ही आय आय टी एक्झाम काय आहे की जे 10वी पासआउट झालेले पोर आहेत 17-18 वर्षाचे, ह्या वयामध्ये जर ते हे एवढा मोठा सिलेबसचं प्रेशर हँडल करून जर त्याच्यामध्ये सक्सेस मिळवत असतील तर ते पोरं जबरदस्त क्वालिटीचे आहेत ना, जे एवढ्या कमी वयामध्ये एवढं प्रेशर हँडल करू शकतात. मग पुढं जाऊन ते करू शकतील ना, मोठमोठ्या कंपन्या सांभाळू शकतील, काहीतरी करू शकतील ना काम जिथे प्रेशर तुम्हाला हँडल करायचं. फक्त हेच चेक केलं जाते. लक्षात आलं का? म्हणजे कंपनीला, तुम्हाला माहिती आहे का, तुम्ही ॲक्च्युअलमध्ये जर कंपनीतले कामं पाहिले तर काही संबंध नाही आहे. तुम्ही बी ते इंजिनिअरिंग केल्याचा किती मार्क घेतल्याचा, ॲव्हरेज बुद्धीचा माणूससुद्धा तुमच्यापेक्षा स्किलफुल वर्क करू शकतो. हे तुम्ही कंपनीमध्ये जाऊन पहा. बऱ्याच इंजिनियर्सला ट्रेनिंग देणारे लोक आय टी आय वर्कर्स असतात, ज्यांचा हातखंडा असतो बरेच वर्ष काम केल्यामुळे स्किलफुल वर्क करण्यामध्ये. त्यांना ती क्वालिटी उचलायची असते, त्याच्यासाठी ते पिक करते. त्याच्यामुळे ही गोष्ट तुम्ही समजून घ्या की ह्या वयामध्ये तुम्हाला ती गोष्ट तुमच्यामध्ये आणायच्यात, मेहनतीची गुण घ्यायची. ठीक आहे. मग याचं निगेशन करण्यासाठी आपण काय केलं रे, ह्याचं इक्वल स्टेटमेंट हमने इसका लिखा ही है, आप ये तो हमारे जाना पहचाना लग रहा है, और वाले का निगेशन है ये. तो हमें पता है कि और वाले का निगेशन कैसे किया जाता है. इंडिविजुअल स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, और की जगह एंड लेना है और निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है? स्टेटमेंट इटसेल्फ. तो पी एंड निगेशन क्यू. तो पी इंप्लाइज क्यू नामक स्टेटमेंट का निगेशन क्या हो गया? पी एंड निगेशन क्यू हो गया. तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, दोनों को भी याद रखना है डायरेक्टली रिजल्ट टाइम बचाने के लिए. P implies Q का negation होता है P and negation Q, लेकिन P implies Q का equivalent statement होता है negation P और Q. दोनों में confusion मत होने देना, कहते हैं क्या? P implies Q का negation है P and negation Q, and P implies Q का equivalent statement है negation P और Q. दोनों में फर्क समझिए. फिर हमें P if and only if Q का negation लिखना था, तो उसके लिए हमने क्या किया? पहले इसका equivalent statement देखा. इसका equivalent statement क्या है? P implies Q या तो आप क्या कर सकते हो, ये एंड है तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो निगेशन ऑफ P implies Q, एंड की जगह आएगा और निगेशन ऑफ Q implies P. और अब आपको पता है कि P implies Q का negation कैसे लिखा जाता है, तो directly लिख सकते हो कैसे? पहला statement as it is and negation of दूसरा statement, और पहला statement as it is and negation of दूसरा statement. खत्म. तो P if and only if का negation क्या आएगा? ये आएगा, ये आपको याद रखना है. यहाँ तक हमने देखा था, ये हो गया 5 मिनट में revision. ठीक है ना? मी टॉपिक एक टॉपिक पूर्ण संपेपर्यंत 4-5 दिवस रिवाइज करत असतो.
चालू क्लास मध्ये त्याच्यामध्ये तुम्ही करताल नाही करताय तुमच्या भरोश्यावरच नाही राहत आपण. ठीक आहे, मग आता पुढं काय रे, क्वांटिफाईड स्टेटमेंटचं निगेशन कसं लिहिणार? क्वांटिफाईड स्टेटमेंटचं निगेशन कसं लिहिणार लक्षात घ्या. क्वांटिफाईड स्टेटमेंट मध्ये काय असतं रे, एक तर फॉर ऑल आलेला असेल किंवा देअर एक्झिस्ट आला असेल. जर फॉर ऑल दिलेले तो उसको रिप्लेस करेंगे देअर एक्झिस्ट से, और दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है. क्या कह रहा हूँ, दो चीजें समझ लीजिए. फॉर ऑल वाला जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है उसमें फॉर ऑल को रिप्लेस करेंगे देयर एग्जिस्ट से, और दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन लिखेंगे. ठीक है, और देयर एग्जिस्ट आया है तो उसको रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल से, और दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन लिखेंगे. तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखना होगा. ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा है निगेशन और कंपाउंड स्टेटमेंट, इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, और फिर वो खत्म होने के बाद आगे वाला पॉइंट देखते हैं. चलिए, तो एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा था, हाँ ठीक है, एक और चीज देख लेते इसी के अंदर, फिर हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है, फिर पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं. कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, ये चीज क्या है, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का मतलब समझते हो, पी इंप्लाइज क्यू, ये कंपाउंड स्टेटमेंट. अगर आपके पास ये स्टेटमेंट दिया है तो इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स मतलब क्या, कॉन्वर्स ऑफ दिस, इसका कॉन्वर्स क्या होगा बेटा, क्यू इंप्लाइज पी. ये बगा आपने शायद टेंथ में ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स प्रूव किए होंगे, इसमें कॉन्वर्सली भी प्रूव करना होता है. इफ देन वाला जो पार्ट होता है, इफ समथिंग देन, कुछ तो दिया है तो ये अगर होता है तो ये हैपन होता है, तो ये प्रूव करना है आपको ज्योमेट्री के अंदर. तो आप गिवन में क्या करते हो, इफ और देन के बीच का जो एंटीसीडेंट वाला पार्ट होता है, इफ देन में जो इफ और देन के बीच का होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, याद रखना. इसमें भी काम आएगा ये इफ डॉट 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 देन, ये लॉजिकल कनेक्टिव है ना हमारा इम्प्लीकेशन वाला. तो इफ और देन के बीच में जो पहला स्टेटमेंट होता है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, स्पेलिंग देख लेना. और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम जो होता है ना, कॉन्सिक्वेंट. तो इसका ये परिणाम होता है ना, अगर ऐसा है तो परिणाम ऐसा होता है. तो जब आप लोग प्रूव करते थे तो ये गिवन होता था, ये गिवन लेते थे और ये चीज प्रूव करा देते थे आप ज्योमेट्री में थ्योरम्स के अंदर. लेकिन अगर इफ देन की जगह अगर इफ एंड ओनली इफ होता है, इफ देन की जगह अगर इफ एंड ओनली इफ होता है तो ऐसा तो आप प्रूव करते ही हो, लेकिन इसको उल्टा कॉन्वर्स वाला पार्ट भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि जो देन के बाद है उसको एज्यूम करना और इफ के बाद वाले को प्रूव करना होता है. याद है ये चीज, इफ एंड ओनली इफ वाले भी थ्योरम्स होते थे ना जिसमें कॉन्वर्स वाला पार्ट भी प्रूव करना होता है. अरे आठ होते कि नहीं, नहीं याद तो ठीक है, नहीं भी तो भी यहाँ पर याद रखो. अगर आपके पास इम्प्लीकेशन दिया है तो इम्प्लीकेशन मतलब ये गिवन स्टेटमेंट है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स का क्या मतलब होता है, तो इसको उल्टा करके लिखना. इसका कॉन्वर्स मतलब क्या हो गया, इसको उल्टा करके लिखना. अगर पी इम्प्लाइज क्यू दिया है तो इसका कॉन्वर्स क्या हो गया, क्यू इम्प्लाइज पी हो गया. ठीक है, इसी स्टेटमेंट का इनवर्स क्या होगा, मैं किसके इनवर्स की बात कर रहा हूं, इसके. इसी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स क्या होगा, उल्टा करके लिखना. इसी स्टेटमेंट का इनवर्स क्या होगा, स्टेटमेंट है जैसा है वैसा ही लिखना, बस उसके निगेशन को लेना है. दैट इज निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू. तो अगर आपको किसी ने इंप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के आप निगेशन लिखकर इंप्लीकेशन लिखते हो तो उसको दिए गए स्टेटमेंट का इनवर्स कहा जाएगा. इस स्टेटमेंट का इनवर्स क्या लिखेंगे, पहले वाले का निगेशन इंप्लाइज दूसरे वाले का निगेशन. तो ये होगा कॉन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट हो गया क्यू इंप्लाइज पी, इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट हो गया निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू. और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी. निगेशन उल्टा करके निगेशन लेना इंडिविजुअल स्टेटमेंट. देखो सवाल क्या आता है, आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया जाता है पी इंप्लाइज के और बोलते हैं कि इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखिए.
तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखा जाएगा? निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू लिखा जाएगा? अगर इनवर्स लिखने के लिए बोलते तो निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू लिखा जाएगा? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोई एक स्टेटमेंट, जैसे बोर्ड्स में तो बहुत बार ज़्यादा 3 मार्क के लिए सवाल आता है, एक वर्बल फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ रहता है जो कि इम्प्लीकेशन होता है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन वाला, और बोलते हैं कि स्टेटमेंट का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिविटी है, तो आपको पहले तो स्टेटमेंट को सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करना होता है, फिर सिम्बोलिकली आप उसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते हो, फिर उसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग उस तरीके से। ठीक है, तो हमने देखा था कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किस तरीके से होते हैं, उनका ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखा जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का, पहले क्वेश्चन के अंदर। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था ड्यूअल कैसे लिखा जाता है। अब आते हैं आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये लिखना है आपको, लिख लो। तीसरा क्वेश्चन जो है देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपको निगेशंस लिखना है। क्या पूछा है? राइट द निगेशंस, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे देखिए स्टेटमेंट्स का आपको निगेशन लिखना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखिए क्या है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। एक क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछते तो कैसे लिखना है बताऊंगा, बाकी हम लोग खुद सॉल्व करेंगे, मतलब बिना मेथड के। पहले मेथड बता देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसका आपको निगेशन लिखना है। क्या ये एक स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि इसके अंदर और लॉजिकल कनेक्ट दिख रहा है। अब ये एक स्टेटमेंट है आपके पास, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 ये एक स्टेटमेंट है, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट है, इनको और से जोड़ा गया है, और आपको क्या करना है इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखना है, जिसके रूल्स हमने देखे हैं। अब ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, ये डिसजंक्शन वाला स्टेटमेंट है, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, इसका निगेशन लिखेंगे। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के एग्जाम में और इसका अगर आपको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखें। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है आपको पता है, लेट पी डिनोट्स, लेट पी डिनोट्स x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 एंड क्यू डिनोट्स y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। नाउ सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, नाउ सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज क्या लिखेंगे, P और Q। We know that negation of P or Q is equivalent to, क्या होता है negation P or Q का, negation P and negation Q। तो जो दिया गया कंपाउंड स्टेटमेंट था उसका आपको निगेशन लिखना था, तो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में तो निगेशन लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं होता। अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा तो भी इसका जो निगेशन है ये वर्बल फॉर्म में ही आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, मतलब इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो अगर मुझे अब अगर मुझे अगर इसका देयरफोर निगेशन ऑफ गिवन
कंपाउंड स्टेटमेंट इज इज क्या लिखेंगे? अब इसको देख के बस चीज को लिखना है, कैसे लिखना है निगेशन? पहले स्टेटमेंट का पी वाला स्टेटमेंट है उसका निगेशन देना है। तो इसका निगेशन कैसे लिखा जाएगा? x plus a is not greater than 11। यहाँ पर क्या है? And इसका निगेशन y minus 3 is not equal to 6। तो जिस वर्बल फॉर्म में उन्होंने आपको दिया था उसी वर्बल फॉर्म में आपने निगेशन लिखा है इसका, लेकिन चेंज क्या हुआ? ये दोनों स्टेटमेंट के निगेशन हो गए और चेंज हो गया एंड से। ये आपको पता कैसे लगा? क्योंकि आपने पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इसका निगेशन लिखवा लिया था। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे, वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वर्बल फॉर्म में आंसर पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता डायरेक्टली लिखना तो पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन लिखना आसान होता है। फिर जस्ट इसको आप वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए कि पी का निगेशन लिखना है तो लिख दिया, ये क्या है एंड है, और क्यों का निगेशन लिखना है लिख दिया, करते हैं ठीक है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो अलग अलग तरीके के जब कंपाउंड स्टेटमेंट आएंगे तो आंसर जिस फॉर्म में जिसने पूछा है वर्बल फॉर्म में पूछा है तो वर्बल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में पूछा है सिंबॉलिक। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में 11 इज लेस देन 25 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20 ऐसा दिया हुआ है। 15 है यहाँ पर, 15 ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा पी और इसको बोल दिया मैंने क्यू। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? पी एंड क्यू। तो इसका निगेशन क्या होता है? निगेशन पी और निगेशन क्यू। मतलब इसी फॉर्मेट में अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? निगेशन पी, 11 इज नॉट लेस देन 15 और 25 इज नॉट ग्रेटर देन 20, ये हो गया इसका निगेशन। नहीं समझे? आगे बढ़ते क्वेश्चन पर, जहां नहीं समझेगा पूछना। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर if and only if it is a rhombus। आता तुम्ही मला सांगा, जर डायरेक्टली याचं निगेशन लिहायचं म्हटलं तर नाही लिहित आहे, कसं लिहिणार डायरेक्टली? त्याच्यामुळे सरळ बसायचं असत, तुझे भयान काम केलेले असतात, भयान सांगितलं तू निगेशन एवढं खतरनाक विषय, गंभीर जेवढा गंभीर विषय गंभीर। अरे भैया इधर इपेंड ओनली पे, ये सिंगल स्टेटमेंट है क्या? तो इट इज नॉट ट्रू वाली फिलोसॉफी उधर आप मर गई, वो चार दिन पहले वो वाला खत्म हो गया है ना। अभी क्या है? अभी कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखा जाता है? तरीके से, कायदे में रह के। आप कायदे के बाहर चले गए इट इज नॉट ट्रू बोल के, वो कोई एक सिंगल स्टेटमेंट है क्या? नहीं। ये बहुत बड़ा मसला बनने वाला है अभी। इसको आप सीधे तरीके से अगर निगेशन लिखने गए तो आपके जहन में होना चाहिए कि इफ एंड ओनली इफ का निगेशन क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। तो आप देखो कैसे लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। इसको पी बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्यू। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। और इसका निगेशन कैसे लिखा जाता है? पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। आपको चाहिए तो आप इसको विस्तृत लिख सकते हैं दो तीन इसके अंदर, ठीक है। और बोर्ड में पूछते तो लिखना ही है, बड़ा आंसर लगना चाहिए डायरेक्ट ऐसे जैसा, ठीक है। मतलब हर एक बारी की अगर लिखते हो आप बोर्ड में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट था पी पी फैमिली क्यू, उसका निगेशन लिखना, उसका निगेशन ये है ना। अब ये निगेशन है, ये दिखने में तो इतना सा लग रहा है, अब लिखते समय पता चलेगा निगेशन कैसा लिखा जाता है। तो पी पी मतलब क्या? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ये क्या है? एंड इट इज नॉट
और अब एक चीज नहीं लिखना, आप क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे ना, और क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस एंड कंपाउंड सेगमेंट निगेशन लिखता ना का आवश्यक सिंबोलिक होम लिखी ना ऐसा फिर वो नहीं होता ना, अपन इसको हल्के में ले लेते लेकिन ये इतना बड़ा हो जाता फिर उसका निगेशन। आ रही बात समझ में पैसे भेटायचे मजा करण्याचे पैसे कोहली का देखा अपने स्टेमिना हफ्ता ही नहीं दिए खेलता ही जा रहा है। अरे का विशेष है बोते काम है आम ती एन्जॉयमेंट है आम्मी घर से तो नहीं क्रिकेट खेल तो समझ के कहना है। देखो इट इज रेनिंग एक स्टेटमेंट है, वी विल गो वी प्ले फुटबॉल, ये तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो आप सवाल पैदा होता है कि इसका निगेशन कैसे लिखा जाए, ठीक है? तो देखिए इफ
और ये देन, ठीक है, इफ और देन के बीच में, देन के बाद का ये पार्ट है, तो ये इसको आपको ब्रैकेट में लेना है और ये वाला पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले पी है हमारा, इट इज रेनिंग, देखो इफ और देन से किसको जोड़ा गया है, इफ और देन से जोड़ा गया है इसको और इसके बाद वाले पूरे को। तो देखो आप कैसे लिखते हैं, पहले तो पी हो गया इट इज रेनिंग, फिर क्यू हो गया वी विन, फिर वो एंड आर हो गया वी प्ले, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी इफ पी देन, क्यू क्या है यहाँ पर, देन क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट है, देखिए तो दो है, तो ये पूरा अपन लिखेंगे कुछ इस प्रकार से क्यू एंड आर, बिल्कुल आप सोचिए ना कि इफ और देन से मेन आपका लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इफ देन ये स्टेटमेंट और उसको एंड से जोड़ा है, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। एक आप क्या करना है, अब इसका निगेशन लिखना है, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, या निगेशन, निगेशन ऑफ P implies Q and R का निगेशन लिखना है। तो देखिए इसको एक स्टेटमेंट मान सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर है तो है दो, लेकिन मान लिया एक है, हा? तो निगेशन ऑफ वन implies अनदर स्टेटमेंट क्या होता है, पहला एज इज एंड दूसरे का निगेशन, ऐसा लिखते हैं कि नहीं हम लोग। अब ये क्या हो गया, P एंड इसका निगेशन क्या होता है, निगेशन Q और निगेशन R, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे आप लोग इसका वर्बल फॉर्म में, क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग एंड विल नॉट गो Not go or or we will or we do not play और बिजली आएगा ना, अच्छा ये we will go और we will play ऐसा होना चाहिए था, we will with यहाँ पर चाहिए था, तो we will not play football, कहते का चला पुढचा प्रश्न, ते वाला हटू कमी तिकडचं झाले घेऊ, रूट टू इज नॉट रैशनल नंबर है ना, एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ निगेशन आएगा, इसको कोई मतलब नहीं था, गलती से दिया होगा शायद, क्योंकि ऐसा फॉर्म का भी नहीं, नीचे का नहीं, नीचे में क्वांटिफायर है, और नीचे का स्टेटमेंट समझिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब मैंने ये, अब हम लोग देखते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, ये देखो अब यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली उल्टा वाला ये दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो यही ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब यहाँ पर क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया गया ऑल वाले का। तो इसका अगर मुझे निगेशन लिखना है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का, तो ऑल को रिप्लेस किया जाएगा सम, और जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, सम नेचुरल नंबर्स, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ये होता है इसका निगेशन। तो अगर ऑल दिया है तो उसको सम से रिप्लेस कीजिए, और दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन लिख किया तो ये हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन लिखने का तरीका, सम दिया है तो उसको रिप्लेस कीजिए, और दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन लिखिए।
आगे और यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज करें। हाँ, यूनिवर्सल को एक्जिस्टेंशियल से चेंज कीजिए, एक्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल से चेंज कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ उसको चेंज नहीं करना है, दिए गए स्टेटमेंट को भी निगेटिव लिखना है, जैसे भी दिया है उसका निगेशन लिखना है, नॉट है तो नॉट हटाइए, नहीं है तो डाल दीजिए। जैसे आगे का क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्या दिया है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय 4। अब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके लिखा गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। अब अगर मुझे इसका निगेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा निगेशन, फॉर ऑल को रिप्लेस करना है देयर एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्लेस करना है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से। अब लिखने का तरीका थोड़ा बहुत बदलेगा, वो हमें समझ में आता है। अब यहाँ पर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन कॉमा दिस इज डिविजिबल बाय 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट कैसे यूज किया जाता है, देयर एग्जिस्ट सम एन बिलोंगिंग टू एन, ठीक है। अब यहाँ पर सच दैट लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देयर एग्जिस्ट यूज कर रहे हो, उसको लिखने का तरीका है, देयर एग्जिस्ट सम एन बिलोंगिंग टू एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आई बात समझ में, आगे वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दिया। There exists वाला है अगला स्टेटमेंट, ठीक है, 8, 9, There exists x belongs to n such that x minus 17 is less than 0। अब यहाँ पर देयर एग्जिस्ट है क्वांटिफायर, तो निगेशन के समय क्या करेंगे, फॉर ऑल, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x belongs to n, अब फॉर ऑल में सच दैट लिखने की जरूरत होती है क्या, नहीं, तो हटाएंगे उसको, फॉर ऑल x belonging to n x minus 17 is not less than 20, खत्म। आई बात समझ में, बाकी कल देखते हैं, कल क्लास रहेगी 9 बजे, याद रखें 9 से 10:15।